कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ चुनावाला। मैं बेसिकली पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ। मैंने मेरा मास्टर्स दैट इज MDS पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में किया हुआ है और मैं बच्चों के दांत का स्पेशलिस्ट हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बच्चों के दांतों के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। अभी मेरे क्लिनिक पे अक्सर जो पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, मीन्स तकरीबन सभी पेरेंट्स का पूरा डिस्कशन के बाद एंड में एक ही सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब, ये तो दांत गिर जाने वाले हैं, तो आप क्यों इतना ट्रीटमेंट रेकमेंड कर रहे हैं? क्या फायदा होगा इतना ट्रीटमेंट करके? वैसे भी ये दांत गिरने ही वाले हैं। तो ये एक माइंडसेट आ गया है कि भाई, इसका मतलब क्या हो गया कि सबको लगता है कि भाई दूध के दांत का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अभी अपने मुंह में एक्चुअली अगर आप देखने जाएंगे तो बच्चों में 20 मिल्क टीथ होते हैं। अभी उसके फंक्शंस के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो क्या रोल है मिल्क के, दूध के दांतों का? सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है अगर आप गौर से उसको ऑब्जर्व करेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में कितने दांत होते हैं? 0। फिर क्योंकि क्यों 0 रहते हैं दांत? क्योंकि तभी उसको दांतों की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज जब वो पैदा होता है पहले 6-8 महीने तो सिर्फ वो माँ का दूध ही लेता है, तो दूध लेने के लिए, दूध खाने के लिए चबाने की थोड़ी जरूरत है। तो जब वो 6-7 महीने का होता है तब उसके पहले दांत आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों आए तब? बिकॉज तब क्या होता है कि दूध के अलावा बच्चों को थोड़ी और चीजें भी दी जाती हैं, तो उसके वजह से उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं। और जब वो तकरीबन 2 साल का हो जाता है तो उसके मुंह के अंदर 20 दूध के दांत आ जाते हैं। अभी 20 दांत आ गए तो उसकी क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। अभी वो 20 दांत से क्या होता है कि उस फेज में उसका दूध बंद किया जाता है, क्योंकि अभी उसका डेवलपमेंट और बढ़ गया है और दूध के अलावा उसके बॉडी को और पौष्टिक आहार की भी जरूरत होती है और उसके पास दांत आ गए होते तो वो अलग अलग वैरायटी खा सकता है। और जस्ट इमेजिन करिए कि दांत का मेन फंक्शन है मैस्टिकेशन, यानी चबाने के लिए, खाना चबाने के लिए दांत की बहुत ही जरूरत रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में अभी देखिए ना, जस्ट इमेजिन करिए, यही मेन फंक्शन है, अप डाउन अप डाउन। तो अभी ऐसे में अगर खाते वक्त, चबाते वक्त अगर बच्चे के दांत दुखना शुरू हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो चबाएगा नहीं और खाना सोलो कर लेगा, वो हर कड़क चीज खाने से कतराएगा। इसीलिए उसका जोर नरम और मीठी चीजों की तरफ ज्यादा चला जाता है। बिकॉज वो से फॉर एग्जाम्पल हलवा है या मिठाई है जो नरम है जिसको चबाने की जरूरत नहीं, तो फटाक से खा लेगा। अभी ऐसे टाइम में अगर आप उसको रोटी देंगे या ऐसी कोई कड़क चीजें देंगे तो वो खा नहीं पाएगा और स्वॉलो करना शुरू कर देगा। तो एक तो चबाने की प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा कि वो खाना बराबर से नहीं खाएगा और वो स्वॉलो करना शुरू कर देगा। तो अभी अगर खाना बिना चबाए डायरेक्टली स्वॉलो किया जाता है तो उसकी जो पौष्टिकता रहती है वो बॉडी को नहीं मिलती है, इसके वजह से डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं और बहुत प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी शुरू हो जाती हैं। अभी ये एक रोल हो गया। अभी दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है दूध के दांत का कि भाई स्पीच यानी बातचीत करने में भी दांत का बड़ा अहम रोल है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपके दांत नहीं होते तो आप कैसे बोल पाएंगे? तो बोलने के लिए, अच्छी तरह से बोलने के लिए भी दांत की जरूरत रहती है, स्पेशली आगे के दांतों की। जब आप श वगैरह वर्ड्स बोलते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी जो जुबान रहती है आपके आगे के दांतों के अंदर के सरफेस पे जाती है और आपके वर्ड्स निकलते हैं, अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर दांत नहीं रहेंगे तो वो स्पीच प्रॉब्लम्स भी उसको डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन और स्पीच प्रॉब्लम्स का क्या रहता है तो वो इमिजिएटली नहीं पता चलता है, उसको एक पीरियड लगता है डेवलप होने को। तो क्या होता है, जब तक वो प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है तो पेरेंट्स बहुत लेट हो चुके रहते हैं और बोले कि कैसे हो गया। अभी तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका है फोनेटिक्स, इसका सॉरी तीसरा जो उसका फंक्शन है एस्थेटिक्स यानी लुक्स, अच्छा दिखना। अच्छा दिखना ये हम सबका अधिकार है और हम वो बच्चे को उस अधिकार से क्यों वंचित रखेंगे? बच्चा है तो क्या खराब दिखे तो चल जाएगा? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। आजकल बच्चे भी बड़े सयाने हो गए हैं। तो अगर जस्ट इमेजिन कीजिए अगर आपके बच्चे के 2 साल का है, 3 साल का है और आपने बोला कि दूध का दांत इंपॉर्टेंट है निकाल दो,
तो क्या होगा, आगे के दांत अगर नहीं रहेंगे या अगर हंसता है तो काले और ब्राउन दिखेंगे, तो क्या होगा, जब वो स्कूल जाएगा तो दूसरे बच्चे उसका ऑटोमेटिक मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में दो प्रकार के रिस्पॉन्स आ सकते हैं बच्चे की तरफ से। आइदर वो एकदम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी वो लोगों से अलग होता जाएगा, लोगों में मिक्स नहीं होगा, या दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो क्या होगा कि दूसरों बच्चों को मारना भी शुरू कर दे गुस्से में, क्योंकि मेरे को क्यों ऐसा बोला। तो ये इंपॉर्टेंस है मिल्क के दांत का। तो खाना ही नहीं, लुक्स और स्पीच में भी दांत की बहुत आवश्यकता होती है। और तीसरा है कि ओवरऑल फेस के डेवलपमेंट में दांत का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि दांत जो रहते हैं उसके गिरने, अलग अलग दूध के दांत के गिरने का अलग अलग समय रहता है। जैसे आगे के दांत 6 से 7 साल की उम्र में गिरते हैं, जो कनाइंस रहते हैं, ये जो कनाइंस जो बोलते हैं कनाइंस, वो ऊपर के जो कनाइंस रहते हैं वो उसका गिरने का समय तकरीबन 10 से 11 साल के बीच में रहता है। नीचे के कनाइंस 8 से 9 साल की उम्र में गिरते हैं। पीछे के जो दांत रहते हैं वो तकरीबन 10 से 12 की उम्र में गिरते हैं। तो हर दूध के दांत का एक गिरने का समय होता है, उसको बिफोर टाइम निकाल दिया तो उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे। अभी मेरे अगले वीडियो में, या ऐसे बताइए ना कि जो सीरीज ऑफ वीडियोस जो मैं बच्चों के दांत के ऊपर बताने वाला हूँ, तो बच्चों के दांत से जुड़े हुए वेरियस प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कैविटीज हैं, दूसरे वेरियस आदत भी। बहुत बच्चे अंगूठा लेते हैं तो बड़ा क्यूट दिखता है जब बच्चा अंगूठा लेता है, तो उसकी उसका क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बहुत बच्चे मुंह से सांस लेते हैं तो हम सारी हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चे नाखून भी चबाते हैं तो वो नॉर्मल नहीं है, तो वो हैबिट्स के बारे में हम सारा डिस्कशन करेंगे। फिर इस प्रकार के जो बच्चों के रिलेटेड डेंटल एंड ओरल समस्या रहेगी वो मेरे वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सब मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपके मन में जो भी सवाल है प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी आपको जवाब देने के लिए। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।